फिर क्या कहता है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स अंडर ए फोर्स टू द फोकस एस वेन द पार्टिकल इज एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन प्रूव दैट द पार्टिकल प्रोसीड्स टू डिस्क्राइब ए पारा कोई एक पार्टिकल जो है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एंड इलिप्स अंडर ए फोर्स टू द फोकस एस कोई एक पार्टिकल इलिप्स डिस्क्राइब करती है वेन दर्टिकल इज एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस अगर वो जैसे बी पॉइंट पे रहता है तो इस केस में इसकी काीवियस एनर्जी के डबल हो जाती है विदाउट एनी चेंज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रूव दट दार्टिकल प्रोसीड टू डिस्क्राइब ए पैराबोला तो यह पार्टिकल उस केस में यह पैराबोला डिस्क्राइब करेगा तो देखो सोल्यूशन सपोज अब पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स अंडर ए फोर्स टू द फोकस एस

अगर वी वन हमारा पार्टिकल वेलोसिटी है पार्टिकल का एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस यानी बी पे तो इक्वल टू वी वन हो जाएगा आर इक्वल टू एस बी हो जाएगा इक्वल टू अभी किए थे तो यहां से वी वन स्क्वायर का वैल्यू देखो कैलकुलेट करोगे तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू मू बाई वेलोसिटी है पार्टिकल का न्यू फॉर्म में तो जहां पर इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है तो देखो ये क्या होगा हाफ एम V2 square, ये मास वेलोसिटी और ये टू टाइम्स हुआ तो यहां से ए की वैल्यू एस बी हो जाएगी और म्यू बाई एस बी म्यू बाई एस बी क्या हो जाएगी हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा तो वी टू इक्वल टू वी हो गया जो कि पैराबोलिक पाथ के इक्वल है तो देयर फॉर द सबसिक्वेंट पाथ ऑफ पार्टिकल एट बी इज पैराबोला ठीक है

म्यू एल, भी तो वी भी है पी का वैल्यू क्या है आर साइन फाइ तो फाइ के जगह पर अल, अल्फा और स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आ रही है यहां से देखो ना एंगल निकालोगे अल्फा तो ये आ जाएगा ठीक है ये ये क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एट नंबर ठीक है